Students, I hope you all are fit and fine. Last video में हमने देखा था direction of forces. Next है effects of forces. Forces के क्या-क्या effects होते हैं? First है force can cause motion in a stationary object. कोई भी stationary object है force के through हम उसमें motion create कर सकते हैं by pushing things, pulling things and hitting things are the ways of making things move. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करके, पुल करके या उसको हिट करके उसमें मोशन प्रोड्यूस किया जा सकता है. इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, इट कैन मेक इट मूव. फॉर एग्जांपल, इफ यू पुश बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अगर आप टेबल पे रखी बुक को पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, तो वो मूव करने लगती है. व्हेन यू पुल अ चेयर, चेयर को पुल करने पे, व्हेन यू पुश अ हैंड कार्ट, इट स्टार्ट्स मूविंग. दे मूव बिकॉज यू मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम. ये सब मूव कर रहे हैं क्योंकि आप इन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो. हाउएवर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ फोर्स ऑलवेज मेक्स अ स्टेशनरी बॉडी टू मूव. बट हर टाइम ये जरूरी नहीं होता है कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो मूव कर सके. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ट्राई टू पुश द वॉल ऑफ योर क्लासरूम, इट विल नॉट मूव. अगर आप अपने क्लासरूम की दीवार पे फोर्स अप्लाई करते हो और सोच रहे हो कि ये भी मूव होगी, फॉर दैट मैटर इवन इफ ऑल द बॉयज, बट ये नहीं हो सकता. अगर आपकी क्लास के सारे बच्चे भी उस दीवार पे फोर्स अप्लाई करेंगे फिर भी वो मूव नहीं करेगी. इसका रीजन क्या है? द फोर्स अप्लाइड बाय ऑल ऑफ यू इज नॉट सफिशियंट टू मूव द वॉल. आप लोगों के थ्रू जो फोर्स अप्लाई वॉल पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो वॉल को मूव करने के लिए सफिशियंट नहीं है, तो वॉल मूव नहीं होगी. नेक्स्ट है, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो दैम डाउन. फोर्स के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं या फिर उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं. इमेजिन योर फ्रेंड इज राइडिंग अ बाईसाइकिल. सोचो आपका फ्रेंड बाईसाइकिल चला रहा है. इफ़ यू पुल हिज बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, और आप उसकी बाईसाइकिल को पीछे की बैक साइड से पकड़ के पुल करते हैं, खींचते हैं, इट इज़ गोइंग टू स्लो डाउन. तो बाईसाइकिल की स्पीड धीरे हो जाती है. इट मीन्स दैट इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके अपोजिट में आप फोर्स अप्लाई करते हो, द बॉडी स्लोज डाउन, तो वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी. फ्रॉम द अबाव एग्जाम्पल, इट इज क्लियर दैट फोर्स मे स्टॉप अ मूविंग बॉडी और मे रिड्यूस द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी. इन एग्जाम्पल से आपको ये पता चला कि फोर्स के थ्रू किसी भी मूविंग बॉडी को आप स्टॉप कर सकते हो या फिर इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हो. नेक्स्ट है, फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. फोर्स के थ्रू आप कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड को फास्ट कर सकते हो. सपोज द मैन विद द ट्रॉली हैज़ टू गो डाउन हील, द ट्रॉली स्टार्ट्स टू मूव फास्ट एंड ही नीड्स टू स्लो इट डाउन. सपोज करो एक आदमी ट्रॉली को लेके डाउन हील, मतलब सरफेस कैसा है देखो, एकदम फ्लैट भी नहीं है, डाउन हील डाउनहिल टाइप का सरफेस है, तो उसमें ट्रॉली बहुत ही फास्ट मूव करती है, आपको भी पता है. बट उसको, उस मैन को उसको स्लो करना है. टू मेक द ट्रॉली स्लो डाउन मैन मस्ट पुल इट. उसको स्लो करने के लिए उस आदमी को क्या करना पड़ेगा? उसको ट्रॉली को खींचना पड़ेगा. तो उसके लिए उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या होगा, वो ट्रॉली की स्पीड स्लो हो जाएगी. सिमिलरली, व्हेन अ मूविंग व्हीकल इज एक्सेलरेटेड बाय प्रेसिंग द एक्सेलरेटर, इट स्टार्ट्स मूविंग फास्टर. जब कोई आदमी व्हीकल चला रहा है तो वो एक्सेलरेटर दबाकर उसकी स्पीड को फास्ट कर सकता है क्योंकि उसे उसमें फोर्स अप्लाई होता है. व्हेन अ फुटबॉल प्लेयर हिट्स द मूविंग बॉल, द बॉल स्टार्ट्स मूविंग फास्टर. एक प्लेयर जो बॉल स्लोली मूव कर रही है उसको अगर हिट करेगा तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी. व्हेन अ हॉर्स पुलिंग अ टोंगा अप्लाइड ग्रेटर फोर्स, द टोंगा मूव्स फास्टर. नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर हिट्स द बॉल विद अ बैट,
His force changes the speed as well as the direction of ball. Cricket player अगर ball को hit करता है तो उसकी वजह से ball पे force apply होता है, जिसकी वजह से उसकी speed और direction दोनों change हो जाते हैं. Similarly, a football is moving across a goal. A football player wants the ball to go into the goal. The diagram shows how he can do this. He can change the direction of a football moving towards him by kicking it so that it moves towards the goal. Thus, a force can be used to change the direction of object. Direction of your moving bicycle by applying force on its handle is the desired direction. आप बाइक चला रहे हो, उसके हैंडल पे आप फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करोगे तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू आप ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हो. इमेजिन अ स्प्रिंग फिक्स्ड इन अ वॉल विद अ नेल. एक स्प्रिंग नेल के थ्रू वॉल पे लगी हुई है. When we pull the spring, आपने स्प्रिंग को खींचा तो वो स्ट्रेच हो गई, खिंच गई, उसका शेप चेंज हो गया. Similarly, when we crumble a paper, its shape changes. और ऐसे ही आप एक पेपर लेना, उसको अपनी मुट्ठी में लेके उसको पूरा फोल्ड कर देना तो उसका भी शेप चेंज हो गया प्रेस करने से, और क्योंकि हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया है. From above discussion, we can say a force can move an object from its state of rest. फोर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी स्टेट चेंज की जाती है. मूविंग ऑब्जेक्ट को फास्ट मूव करवा सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और स्टॉप. ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकते हैं और उसको स्टॉप भी कर सकते हैं. अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं. फोर्स कैन ब्रिंग सम और ऑल चेंज मेंशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट. डेफिनेशन क्या है फोर्स की? फोर्स इज अ पुल और पुश विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी. फोर्स में पुल और पुश के थ्रू बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, रेस्ट से चेंजेस द डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं और शेप को भी चेंज कर सकते हैं. फोर्स के टाइप्स देखो, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. नाउ वी आर फैमिलियर विद वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. बहुत सारे इफेक्ट्स देखे आपने फोर्स के. अब इसमें फर्स्ट देखो टाइप कौन सा है. कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी आइदर डायरेक्टली और थ्रू सम कनेक्टर. किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाता है डायरेक्टली या फिर किसी कनेक्टर के थ्रू, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज देखो, द फोर्सेज विच डू नॉट मेक अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी एंड एक्ट थ्रू स्पेस विदाउट एनी कनेक्टर. इसमें डायरेक्टली फोर्स अप्लाई नहीं करते बॉडी पे और कोई कनेक्टर भी नहीं होता. एग्जाम्पल, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ग्रेविटी में देखो, कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो अपने आप नीचे आती है. फोर्स होता है ग्रेविटेशनल, बट उसमें कोई भी कनेक्टर नहीं होता और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी नहीं होता है. सेकेंड है, इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन पुल टेनी बिट्स ऑफ ड्राई पेपर इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वहाँ पे अगर आसपास में ड्राई पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. वहाँ पे भी कोई कनेक्टर नहीं होता फोर्स का और ना ही डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है. थर्ड है, मैग्नेट कैन, मैग्नेट भी अट्रैक्ट करता है स्टील के स्मॉल पिंस को. नेक्स्ट है मोर अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखो, फर्स्ट बायोलॉजिकल और मस्कुलर फोर्स. द फोर्स एग्जर्टेड बाय मसल्स के थ्रू जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट होता है उसको बायोलॉजिकल फोर्स या मस्कुलर फोर्स बोलते हैं. बोथ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. द फोर्स इज एसेंशियली किससे प्रोड्यूस होता है? मसल्स ऑफ लिविंग बींग्स. इसमें क्या है, अपन कोई भी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं, पुश पुल, स्ट्रेस, कंप्रेस, कुछ भी कर सकते हैं. वी यूज मस्कुलर फोर्स. यू लिफ्ट योर स्कूल बैग अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स. बैग उठाने में, पुलिंग अ कार्ट, पुशिंग अ लॉन रोलर, स्ट्रेचिंग अ चेस्ट एक्सपांडर, ये सब किससे हो सकता है? मस्कुलर और बायोलॉजिकल फोर्स से. नेक्स्ट, हाउएवर इफ द फोर्स रिक्वायर्ड इज टू लार्ज एंड अवर बॉडी इज इनकैपेबल ऑफ, वी कैन यूज द मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स. अगर हमारी बॉडी मस्कुलर किसी भी चीज़ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाती अच्छे से तो हम एनिमल्स का मस्कुलर फोर्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे कार्ट्स को रन करवाने के लिए बुल्स का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स. फोर्स
जनरेटेड बाय मशीन्स, वो फोर्स जो मशीन्स के थ्रू जनरेटेड किया जाता है। मशीन्स डज नॉट प्रोड्यूस फोर्स, मशीन खुद से फोर्स प्रोड्यूस नहीं की जाती, तो उसमें सम काइंड ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है जिससे उसको एनर्जी मिलती है और वो फोर्स जनरेट कर सकती है। एनर्जी ऑफ मूविंग एयर इज यूज टू प्रोड्यूस द फोर्स, मूविंग एयर की एनर्जी से यूज करके उसको फोर्स प्रोड्यूस करवाया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक करंट्स वगैरह। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कोई भी सरफेस है उसके थ्रू, ग्राउंड के थ्रू ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई किया जाता है। अब ये ऐसे नहीं कि फ्लैट सरफेस है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा या फिर बहुत ही कम होगा। इन केस ऑफ स्टॉप्स आफ्टर अ ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाइसाइकिल स्टॉप पैडलिंग, आप जब भी बाइसाइकिल वगैरह चलाते हो तो आपका सरफेस एकदम फ्लैट नहीं है तो वो जो ग्राउंड है वो बाइसाइकिल के टायर पे अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई करेगा, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या है, बहुत ही कॉमन फोर्स है दैट अपोजिट्स अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है। मूविंग एग्जर्टेड इंजन व्हेन अ वन बॉडी मूव्स और टेंड्स मूव अपॉन अदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।